Tense, T E N S E, Kaksha Barvi, class 12, English, and almost the very first lesson on English grammar. Please note the spelling of the word grammar, G R A M M A R, because most of us, even after passing out from college, राइट जी आर ए डबल एम ई आर सो प्लीज नोट द स्पेलिंग इसकी स्पेलिंग देखें क्या है ग्रामर की और आज हम बात करेंगे टेंथ की डियर चिल्ड्रन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन टू माई माइंड फॉर लर्निंग अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश एज ए लैंग्वेज कोई भी भाषा जब होती है तो उस भाषा की शब्दावली तो होनी चाहिए लेकिन उस शब्दावली का उपयोग जाने बिना शब्दावली को लेकर हम क्या करेंगे तो वी शुड है वोकेबुलरी बट वोकेबुलरी मस्ट बी फॉलोड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज और उसमें सबसे अहम हिस्सा है टेंस का टेंस यानी क्या यू आर ऑल इन क्लास ट्वेल्व और हम में से अधिकतर लोग बोलेंगे टेंस यानी काल टेंस यानी काल बट दैट इज नॉट ट्रू आई वुड नॉट एग्री विद दिस आंसर टेंस मीन्स काल अभी तक आप लोगों ने शायद ऐसे ही पढ़ा और हम में से बहुत लोगों ने इसीलिए तथा कथित शब्द जो काल है उस काल के जो विभिन्न प्रकार हैं, उन प्रकारों को याद किया कंठस्थ किया मग किया और परिणाम इंग्लिश बोलने में कोई विशेष सुधार नहीं सो यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज टू अंडरस्टैंड इज टेंस एग्जैक्टली इट इज नॉट काल ये काल नहीं है काल से कुछ ज्यादा है क्या है आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और यदि टेंस का अर्थ केवल काल है शाब्दिक अर्थ हो सकता है लेकिन उससे आप क्या समझ रहे हैं भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तो क्या यह मात्र केवल समय बताता है टेंस काल की यदि बात करें तो काल मतलब समय भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस तो क्या काल केवल समय बताता है इस टेंस कनेक्टेड टू टाइम ओनली और इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट It is something more than that. That is what we are going to learn. So, we are going to learn what is tense exactly. What do we mean by tense exactly? Please pay attention. Step by step, we will proceed. Very slowly, we will go. Because, as I said, this lesson is very important to understand how to speak English. एट डिफरेंट सिचुएशंस ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स अलग अलग समय में कैसे बोलना है अलग अलग समय में पुरानी बात को कैसे बोलना होने वाली बात को कैसे बोलना और अभी जो बात जारी है उसे कैसे बोलना देट इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे एंड बी वेरी क्लियर देंस इज नॉट टू डू विथ टाइम ए लोन टेंस का संबंध केवल समय से नहीं है टेंस का संबंध समय के साथ किसी और से है तो पहले चलिए सबसे पहले हम चलते हैं समय टेंस का संबंध समय से और उसके साथ किसी और से है अभी किसी और की बात नहीं करते लेट अस टॉक अबाउट टाइम

गोड दी टाइम लाइन हम टाइम लाइन पे जाते हैं चलिए टाइम लाइन की यदि हम बात करें तो एक सिचुएशन लीजिए मैं भी क्या कर रहा हूं मैं अभी क्या कर रहा हूं यदि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो कोई काम नहीं हो रहा है कोई एक्शन नहीं हो रहा है और यदि कुछ कर रहा हूं तो वो जारी है कुछ कर रहा हूं ये अभी अभी हो रहा है और जो अभी हुआ वो पास्ट में चला गया अभी जो मैंने अभी जो मैं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं ये कब की बात है ये क्या बीत चुका है या आने वाला है बोल रहा हूं मतलब अभी चल रहा है वर्तमान में तो वर्तमान में है तो सबसे पहले हम लिखें प्रेजेंट जो वर्तमान में है वो है प्रेजेंट और जैसी मैंने बोलना खत्म हुआ वो बात चली गई भूत में और टाइम लाइन में हम सबसे पहले प्रेजेंट को मार्क करते हैं। मैं बोल रहा हूं अब मैं चुप हो गया तो क्या बोलेंगे मैं बोल रहा था यस yes, मैं क्या कर रहा था बोल रहा वो पुरानी बात हो गई दूसरे शब्दों में चलिए एक उदाहरण और देते हैं मैं चल रहा हूं चल क्या कर रहा हूं कुछ एक्शन कर रहा हूं मैं एक्शन नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कुछ नहीं तो दूसरे शब्दों में टाइम में जो अभी हो रहा है वर्तमान में जो है वो कहलाता है प्रेजेंट बच्चों समझने की कोशिश करना क्योंकि पास प्रेजेंट फ्यूचर हम और आप समझे बिना उसको याद कर लिए हो तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग खोलें और वो याद करने की चीज को कहीं याद की हुई चीज़ को कहीं दिमाग में पीछे रख दें और नए तरह से समझने की कोशिश करें कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपके मन में ऑलरेडी जो एक समझ बैठी हुई है किसी चीज की उस समझ को हटा के नई समझ डालना यह प्रयास यहां भी चल रहा और वो इसलिए क्योंकि तो जिस तरीके से आप समझे हो उसने आपके अंग्रेजी बोलने की क्षमता में कोई सुधार नहीं किया है इट हैज नॉट हेल्प यू इन एनी वे द वे यू हैव टेंस ऑल है यू कंटिन्यू टू मेक मिस्टेक्स कंटिन्यू टू फॉलो द मेथड ऑफ मागिंग अप एंड दैट नॉट प्रॉपर अंग्रेजी कंठस्ट नहीं करती अंग्रेजी समझी जाती ग्रामर किसी भी विषय में कंठस्ट नहीं किया जाता उसको समझा जाए और समझते हुए अपने आप वो कंठस्ट हो जाता है अपने शरीर में जज्ब हो जाता है दिमाग में आ जाता है सो so, चलिए हम चलते हैं वापस मैं क्या कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है प्रेजेंट में और प्रेजेंट में जब है तो अब मैं क्या कर रहा हूं इसके वो बात निकल गई मैं बोल रहा हूं तो बोलते ही थोड़ी रहूंगा मैं रुकूंगा मैं खाना खा अभी क्या कर रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं तो ये क्या हो गया प्रेजेंट और मैंने खाना खाते ही थोड़े रहूंगा मैं खाना बंद होगा ना तब क्या बोलेंगे मैं खाना खाया खा रहा था तो जो बात निकल गई वो आती है पास्ट में तो टाइमलाइन में आपने प्रेजेंट समझा और जो बात हो गई वो कहलाई पास्ट ठीक जो बात हो गई वो कहलाई पास्ट तो प्रेजेंट और पास्ट जो, जो टाइम है वो एक्चुअली प्रेजेंट होता है और पास्ट होता है एक और टाइम की बात होती है जो हम लोग बहुत बार पढ़ते आए हैं आपको पढ़ाया होगा वो है फ्यूचर और फ्यूचर को मैं अलग तरीके से मैंने दिखाया है टाइमलाइन में तीसरा है फ्यूचर भविष्य तो ऐसा क्यों है फ्यूचर प्रेजेंट और पास्ट में क्या अंतर है आखिर ये फ्यूचर अलग से क्यों है प्रेजेंट में जो है जो हो रहा है वो एक्चुअली में हो रहा है वास्तव में वो हो रहा है यानी उसकी हम इमेज बनाना चाहें फोटो क्लिक करना चाहें तो आपके सामने कुछ रियल पिक्चर एक आएगा मैं बोल रहा हूं मैं खा रहा हूं तो आपके सामने यदि आप उस समय की फोटो लेते हैं तो मेरी एक चित्र सामने आएगा जिसमें मैं खाता हुआ दिखूंगा वो तो हो गया प्रेजेंट और रियल ऐसे दूसरा है पास्ट मैं खा रहा था उसकी आपने फोटो ली तो वो फोटो मैं क्या कर रहे थे खा रहा था भूत की बात हुई पुरानी बात हो गई तो वो हो गया पास्ट में लेकिन और वो उसकी भी इमेज आप ले सकते हैं वो भी रियल है वो हुआ आप बता सकते हैं कि जब आप खा रहे थे तो क्या पहने थे कैसा पहने थे क्या समय हुआ था कौन था आजू बाजू में क्या चीज खा रहे थे और ऐसे प्रेजेंट भी रियल है हुआ है हो रहा है लेकिन फ्यूचर फ्यूचर की न कोई इमेज बन सकती है पक्की और न फ्यूचर में क्या होगा इस पर कोई पक्का बोल सकता है भगवान भी नहीं बोल सकता इवन गॉड नॉट से वॉट हैपन इन फ्यूचर तो फ्यूचर जो है वो रियल टाइम नहीं है इट इज नॉट ए रियल टाइम इट्स एन इमेजिनरी टाइम एक समय आ, आगे का ऐसा समय जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ऐसा समय जो जिसके बारे में हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं इमेजिनरी टाइम कल्पना इमेजिनरी एंड दैट इज वाई आई रोट इट इन द वर्ड फ्यूचर इन अ डिफरेंट फॉर्म सो दैट यू रिमेंबर दैट प्रेजेंट एंड पास्ट आर रियल वाइल फ्यूचर इज नॉट रियल इट इज इमेजिनरी कल्पना वाला है टाइम लाइन में पहली चीज तो यह आप जान लीजिए एंड दैट इज स्टेप वन एम आई क्लियर और चूंकि फ्यूचर के बारे में कुछ कह नहीं सकते फ्यूचर कोई निश्चित नहीं है फ्यूचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द टेंस टू बी वेरी फ्रेंक वह काल का हिस्सा नहीं है जो काल जैसा आप याद करते आए हैं वैसा नहीं यदि हम टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस होता है और पास्ट टेंस होता है क्योंकि ये रियल टाइम है और फ्यूचर टेंस वास्तव में नहीं होता तो दिस इज क्रॉस फ्यूचर टेंस इज इमेजिनरी वाइल्ड गूस चेस जिसको बोलते हैं कल्पना की उड़ान

हमने बताया दो तरह के टाइम एक प्रेजेंट एक पास्ट और तीसरा अनरियल इमेजिनरी टाइमलाइन को समझने के बाद उसके जो प्रकार हैं उसको समझने के बाद टाइम के प्रकारों को समझने के बाद अब हम चलें थोड़ा टाइप्स किस किस टाइप के ये टाइप क्या है देखिए हम जो करते हैं उसको हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं अलग अलग सेंटेंस अलग अलग टाइम के लिए होता है तो यदि टाइम की बात करें तो लेट अस मूव टू द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने तरह के वाक्य बनते हैं आप आप याद करते हैं पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूस पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूस कितने टाइम बस याद करते रहते हैं और याद करके उसका उदाहरण याद करते हैं। याद नहीं करना है दिस इज नॉट टू बी अप दिस इज नॉट टू बी नो लाइक लाइक ए पैरट रोट लर्निंग हमको नहीं करना है क्या आंख बंद करके बस याद कर लिया और परिणाम क्या हुआ है कि एट्थ नाइन्थ में जब से आपने सीखा है तब से याद ही कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पाए हैं और गलतियां किए जा रहे हैं

लेटस्ट नो हाउ मेनी टाइप्स आर देर एंड वन बाय वन वी टेक इट एक एक करके अपन समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अभी मैं क्या कर रहा हूं अभी मैं चल रहा हूं अभी मैं पीछे चल रहा हूं क्या कर रहा हूं चल रहा हूं अभी क्या कर रहा हूं आपको देख रहा हूं अभी क्या कर रहा हूं बोल रहा हूं काम जारी है क्या है काम जारी है प्रोसेस जो है जो भी काम मैं कर रहा हूं वो जारी है और वर्तमान में है तो जारी है और वर्तमान में है तो वो क्या हो गया कंटिन्यूस प्रोसेस क्या हो गया कंटिन्यूस ऊपर लिखा प्रेजेंट पास फ्यूचर अब केवल प्रेजेंट को आप याद रखिए केवल के कंटिन्यूस याद रखिए जारी है तो जब जारी है तो वो क्या कहलाता कंटिन्यूस हमने पढ़ा क्योंकि काम जारी है कंटिन्यूस प्रोसेस राइट वेरी क्लियर काम जारी है जिसमें मैं खा रहा हूं मैं सो रहा हूं मैं जा रहा हूँ मैं लेट रहा हूँ आई एम स्लीपिंग दे आर गोइंग मतलब मैं हिंदी में हम पहले समझ लें जारी है तो काम जारी है काम कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस और जब काम पूरा हो जाता है काम पूरा हो जाता है तो वो परफेक्ट हो जाता है परफेक्ट हो गया काम पूरा हो गया तो परफेक्ट हो गया मैं अभी क्या कर रहा हूं खाना खा रहा हूं काम जारी है तो ये किस में आया कंटिन्यूस में और खाना खाते थोड़ी रहूंगा आपको बोलता थोड़ी रहूंगा लगातार कभी तो काम पूरा होगा तो जब काम पूरा होगा तब क्या बोलेंगे खाना खा लिया काम पूरा हो गया सो लिया काम पूरा हो गया नहा लिया नहा रहा हूं और नहा लिया गा रहा हूं गाना गा लिया बोल रहा हूं बोल लिया तो ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं एक में काम जारी है वो कहलाया कंटिन्यूस और एक में काम पूरा हो गया तो वो कहलाया परफेक्ट है, कहते हैं ना योर वर्क इज परफेक्ट ये कब कहते हैं जब आप कोई सा काम पूरा कर लेते हो संतोषजनक रहते हो तो बोलते हैं योर वर्क इज परफेक्ट सो काम पूरा होने पर वो हो जाता है परफेक्ट प्रोसेस तो कंटिन्यूस प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ है परफेक्ट प्रोसेस काम शुरू हुआ काम जारी है काम खत्म हुआ परफेक्ट राइट एनी डाउट मैं बोल रहा हूं मैं बोल लिया ये हो गया परफेक्ट अब एक सिचुएशन देखो एक कल्पना करिए एक सिचुएशन मैं खाना खा रहा हूं एक कौर लिया दो कौर लिया तीन कौर लिया, चार कौरलिया लिया और अभी मेरा खाना बचा हुआ है खाना जारी है मेरा तो खाना जारी है तो क्या हुआ कंटिनुअस और यदि खाना पूरा हो जाता तो क्या होता परफेक्ट राइट right? ऐसा कुछ हुआ कि इससे पहले मैं खाना पूरा करता मेरा दोस्त आ गया चार कौर खाया था और मेरा दोस्त आ गया और तो बोलता है क्या कर रहे हो तो मैं क्या बोलूंगा खाना खा रहा हूं या खाना खा लिया खाना खा रहा हूं बाद में आया है वो पांच कौर लेने के बाद यानी कुछ खा चुका था और कुछ बाकी है राइट right? या yeah, एक और सिचुएशन मैंने एक मित्र को एक काम दिया और कहा इस कमरे में जो किताबें रखी हैं सौ किताबें इसको ले जाकर दूसरे कमरे में रख देना इस कमरे में एक कमरा है जिसमें सौ किताबें हैं को दूसरे कमरे में ले जा कर रख देना तो मेरा मित्र किताबों को ले जा कर रखता है और कुछ किताबें रख दिया इस बीच दो घंटे बाद मैं वापस आता हूं और मैं पूछता हूं क्या किया क्या कर रहे हो तो क्या जवाब देगा किताब रख रहा हूं या किताब रख दिया वो तो मैं तो दो घंटे बाद जब उसने अभी पचास ही किताबें रखी मैं बीच में आ गया हूं टाइम के बीच में आ गया हूं और उससे सवाल पूछ रहा हूं और उसको देख रहा हूं ऐसी स्थिति में क्या होगा काम जारी है किताब रख रहा हूं और अभी किताब बाकी है पूरा होना बाकी है ऐसी स्थिति में क्या होगा काम जारी है का कंटिन्यूस और बचे हुए काम को पूरा करते तक का परफेक्ट दूसरे शब्दों में तीसरी जो कैटेगरी है तीसरा जो टाइप है वह कहलाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस याद रखिए यह कब परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होता है जब बीच में कार्य के बीच में कुछ बात हो तब मैं खाना खा रहा था बीच में मेरा मित्र आया और पूछता है तो काम पूरा कितना हुआ पूरा काम पचास किताबें रख दिया कितना काम पूरा हो गया पांच कौर खा लिया था वो पूरा हो गया लेकिन काम अभी बाकी है तो काम जारी भी है तो काम पूरा हो गया वो तो हो गया परफेक्ट पचास किताबें रख दी पांच कौर खा लिया ये तो हो गया परफेक्ट और अब बाकी करना है कर रहा हूँ तो ये क्या होगा कंटिन्यूस So, तीसरी कैटेगरी क्या हुई परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हम फिर से दोहराए कंटिन्यूस प्रोसेस मैं खा रहा हूं परफेक्ट प्रोसेस जिसमें काम पूरा हो जाए जारी था जारी था पहले में दूसरे में काम पूरा हो गया परफेक्ट और तीसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें कुछ काम पूरा हो चुका है मैंने पचास किताबें रख चुका हूं और पचास किताबें रख रहा हूं एक और उदाहरण देखिए जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी हमको एक काम देते थे आपके पिताजी एक काम देते थे कि ये कविता आज याद करना और बोलते थे आज तुमको याद करना है ये कविता और इसके बाद फिर वो चले जाते थे अब जब मैं कविता याद कर रहा हूँ उस दौरान एक घंटे बाद मेरे पिताजी आते हैं और पूछते हैं क्या कर रहे हो तो आपका जवाब क्या होगा मैं याद कर रहा हूं याद कर रहा हूं एक घंटे बाद आया हूं याद कर रहा हूं बोल रहा हूं पिटाई होती थी तो याद कर रहा हूं आप बोल रहे हो पिताजी बोल रहे हैं एक घंटा हो गया अभी तक याद ही कर रहे हो तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा मेरी पिटाई क्यों हो रही मैं तो याद कर रहा हूं और पिताजी पिटाई कर रहे हैं तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है गड़बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं कुछ याद कर चुका और बचा हुआ याद कर रहा हूं यानी परफेक्ट एक घंटे में जितना कर सकता था वो परफेक्ट हो चुका है और बचा हुआ कंटिन्यूस कर रहा हूं तो परफेक्ट कंटिन्यूस टाइप में आप नहीं रहते थे इसलिए पिटाई होती थी तो इन अदर वर्ड आपने ये तीन टाइप देखे और यदि इसको हम देखें मिलाएं ऊपर प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर से प्रेजेंट और पास्ट से बल्कि तो आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये हो गया ऐसे ही पास्ट रियल टाइम की बात कर रहा हूं पास्ट कंटिनुअस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने टाइप हो गए टाइप के सेंटेंस आपके सामने टाइम को देखकर तैयार हैं समझ गए काम जारी है प्रेजेंट काम जारी है कंटिन्यूअस काम पूरा हो गया तो परफेक्ट और काम कुछ पूरा हुआ कुछ बचा है इस बीच बोला जा रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस पूरा हुआ के लिए परफेक्ट और जारी है उसके लिए कंटिन्यूअस यदि बीच में कुछ आके किसी ने पूछा जैसा कि पिताजी ने पूछा जैसा कि दोस्त ने आके क्या कर रहे हो पूछा जैसा कि मैंने अपने मित्र को किताब शिफ्ट करने के लिए कहा और बीच में पूछा दो घंटे बाद तो ऐसे में कुछ काम पूरा हो गया उसके लिए परफेक्ट और जारी है बाकी काम तो हो गया कंटिन्यूस तो थर्ड कैटेगरी इज पास परफेक्ट कंटिन्यूस राइट तो दिस इज स्टेप वन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट नाउ